लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम श्री नारायण महा, ओम श्री नारायण महा। देखा देखा कहीं अगर पति सेवा का कोई नेशनल अवार्ड होता तो गवर्नमेंट को मजबूरन मेरी ही धर्म पत्नी को देना पड़ता। ये दिन रात मेरी ही सेवा में लगी रहती है, इसलिए सती अनुसुईया सती सावित्री को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। हाँ। सुनिए जी, जी जरा अपने चरण से चप्पल निकालिए जी। क्यों? आज से मैंने पति सेवा का एक नया व्रत शुरू किया है जी। व्रत? कैसा व्रत? अगर मैं 1600 बार पानी से आपके पैर पत पखेरू तो बड़ा पुण्य होगा जी। अच्छा अच्छा, अरे भाई तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को कुछ ऐसा ही व्रत रखने को कहो। चलो शुरू हो जाओ। ओम पति देवाय नमः, ओम स्वामी देवाय नमः। भाभी जी, ये पूजा करके आप कौन सा पुण्य कमाना चाहती हैं? ऐसा करने से अगले जन्म में अच्छा पति प्राप्त होगा। भाभी जी, भाई साहब के पति होने में कुछ कमी रह गई क्या? अरे कैसी बातें करते हो, बीवी का मजाक भी नहीं समझते। अरे बेवकूफो, इसका मतलब ये है कि ये अगले जन्म में भी मुझे ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। अच्छा अच्छा, आप तुम जाओ 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 तुम लोग जाओ। लोगों के सामने तुमने क्या कहा कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ? देखिए जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं क्या जानती नहीं आप कितने अच्छे हो। ये तो स्वामी जी की कृपा है जो मुझे ऐसा व्रत मिल गया। कम से कम अगले जन्म का मैं अपने पति का रिजर्वेशन तो करा सकती हूँ ना। ए, 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 अरे ये ताले के ऊपर ताला। कैप्टन, दाल में जरूर कुछ काला। क्यों बच्चू, कितने महीने का भाड़ा बाकी है? बाकी है भाड़ा बाकी है। कमाल है। अच्छा अच्छा, तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि 8 महीने का भाड़ा बाकी है? वो क्या है सर जी, छोटी मोटी बातें हम लोग याद ही नहीं रखते। हाँ, अगर आप चाहें तो वहां जाकर पूछ सकते हैं जहां जहां पहले रह चुके हैं। हाँ, चलो अपने अपने बूट उतारो। अरे नहीं नहीं सर जी, इतनी जल्दी हम लोग किसी पे जूते नहीं उठाते। अरे जूते उतारो, अरे चलो जल्दी से जूते उतारो। उतारो जूते। अब जाओ नंगे पाव जाओ और किराया लेकर आओ 8 महीने का, उसके बाद तुम्हें चाबी मिलेगी। हाँ जा, जा, जा। आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन इतना सोच लीजिए, अगर हम चले गए तो आपका 8 महीने का भाड़ा डूब नहीं जाएगा? हाँ डूब जाएगा। डूबेगा कैसे, मैं तुम्हारा अंदर का सामान कबाड़ी के यहाँ बेच कर अपना किराया वसूल कर लूंगा। हाँ सामान? सामान बोलते तो बस ये एक ताला ही है जिसकी चाबी तो हमारे पास है। लेकिन एक मिनट के लिए सोच लीजिए, अगर हम लोग यहाँ रह गए तो आपको 8 महीने का भाड़ा मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। हाँ, और सेठ जी उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, आजकल करोड़ों लोग उम्मीद पर ही तो जीते हैं। हाँ, हाँ, अरे खोलता हूं, हो सकता है सुबह सुबह लक्ष्मी आई हो। बत्ती बत्ती बत्ती। अरे यार ये लक्ष्मी नहीं, कहीं से पनवती आ गई है। पनवती नहीं, अगरबत्ती। अरे हंसो मत, अरे हंसो मत, अरे हंसो मत, मोहल्ले के बच्चे डर जाएंगे। अगरबत्ती।
इसको घर में जलाओगे इसकी महक घर में आती है, मच्छर बाहर जाते हैं, इसको जलाओगे तो इंसान सो जाते हैं, देवता है जाग जाते हैं, इसको जलाओगे तो इसकी महक पड़ोस में जाती है। अरे भाई तो पड़ोस में बेचो ना, उसी ने भेजा है तो जाओ जहन्नुम में जाके बेचो। अरे क्या यार, दो पैकेट का सवाल है मेरे माँ बाप, मेरी माँ बीमार है, मेरे बाप लंगड़ा है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी घर में घुसने नहीं देती है, मेरे भाई जेल में। अरे बाप मुझे तेरे परिवार का इतिहास नहीं सुनना है, चल यहाँ से। माए बाप दो पैकेट के सवाल है मेरे भाई, मेरी स्वागत हो जाएगी, मेरे बच्चे दुआएं देंगे, बुचकी मेरे भाई। भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं, दो पैकेट के सवाल है मेरे भाई। मिनट, एक बात बता, ये दो पैकेट बेचकर तुझे दौलत कितनी मिलेगी? एक रुपया। एक? हाँ। ये ले, एक दो, अब मुझे माफ कर। थैंक यू। मैं भिखारी हूँ क्या समझा आपने मुझे? मैं भिखारी हूँ। अरे भाई मैं तुझे भिखारी नहीं बोला, मैंने कहा माफ कर दो। और भीख मांगता हूँ और 2 रुपए लेने आया हूँ, क्या समझते हैं आप मुझे? कौन है आप? ए, क्या रे? तुम क्या समझते हो? हाथ क्या लगा था? बात मत करना। अच्छा? अगरबत्ती बेचता हूँ, कोई दस्ती बेचता हूँ, चले। अरे पुलिस वाले को बुलाना है, दो डरता नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, बात कर रहा हूँ। अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा। माफ करना, माफ करना। ए, क्या कर रहे हो? पहले पानी डाला, अब हाथ लगा रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये देख रहा था कि साबुन के पानी से तुम्हारी कमर ना गल गई हो, उसी को ढूंढ रहा था। मम्मी। क्या बात है, क्यों बंदर की तरह हरकत कर रहे हो? बुचकी बुचकी। तुम सुबह धंधा करने निकले थे ना, कहाँ है अगरबत्तियाँ? वो तो बिकने से पहले ही बुझ गई। मुझसे अगरबत्ती का धंधा नहीं होता। तो कोई भी धंधा कर लो, पैसा कमाओ, फिर अपनी सुहागरात होगी। कॉल से तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कह रहे हैं कि पेस का टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि ब्रश को मुंह से निकालने का दिल ही नहीं कर रहा। क्या हुआ, चिपक गया? ओ तो निकालो, पकड़ो पकड़ो, निकालो। अरे जोर लगा के आ,
मुझे धक्का मारा, मेरा ड्रेस गंदा किया, मैं पापा को बोलती हूँ। तेरा पापा क्या कर लेगा, चल हट, फुट फुट देख लेना आज मेरे पापा क्या करते हैं। आज का आज मेरा घर खाली करो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, निकल जाओ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, अच्छा हुआ कि आपने ऐसा किया। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। अब तक आपके बस में मैं था, आज से आप मेरी मुट्ठी में होंगे। तुम्हारी मुट्ठी में? जी हाँ सेठ जी, आपको शायद मालूम नहीं, ताजीरात हिंद दफा 219C के तहत देश में भाड़ेदार को क्या हक दिया गया है। कानून के मुताबिक मकान मालिक से ज्यादा आजकल भाड़ेदार का हक होता है। अरे जा 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 जा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? जब तूने आज तक कभी भाड़ा ही नहीं दिया तो भाड़ेदार कहां से हो गया? आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा, मेरी गवाही तो ये बर्तन देंगे जिनको पटक पटक कर आपने बदसूरत बना दिया है। कहीं मैंने अपनी बेटी के कहने पर ज्यादा ज्यादती तो नहीं कर दी? अरे हुजूर, बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। ये बर्तन जो बरसों पहले दुकानदार से उधारी में खरीदे गए थे, वो दुकानदार अपना हरजाना आप पे ठोकेगा, क्योंकि वो हरजाना वसूल करना आपसे उसे आसान होगा, डायरेक्ट सिविल सूट। हरजाना का केस मुझ पर होगा? जी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी ताजीरात हिंद दफा 250/D-G के तहत बहुत सीरियस केस है, जिसमें गैर जमानती वारंट निकलता है। और बात यही खत्म नहीं होती, मेरे रहने से आपके घर में चोर नहीं आए, मेरे डर से डकैत नहीं आए, इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। ये डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। सेठ जी, आपको तो मालूम होगा आजकल देश में कानून का राज चल रहा है, बड़े बड़े जेल के अंदर सड़ रहे हैं, आपका क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और बात यही खत्म नहीं होती। अरे तुम यहाँ पर बैठे हो, रुपया तुम्हें वहां पर बुला रहा है। कहाँ पर? अरे फाइट एक छोटे आदमी से और इनाम बहुत बड़ा। कितना इनाम? अरे गिनने से काम नहीं चलेगा, तोलना पड़ेगा, टन टना टन टन टन। अरे जाओ बाबा जाओ, रुपया लेकर आओ, मैं यहाँ तोलने के लिए तराजू तैयार रखूंगा। अरे जाओ ना बाबा जाओ ना। इसकी फिक्र मत करो, इन्हें मैं रख दूंगा, जहां से उठाया था वहीं रखना। हाँ। चलो चलो। Captain! 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 Captain!
इनाम इतना भारी तो होना चाहिए कि जिंदगी का बोझ हल्का हो जाए। अच्छा यार, ये लोग इनाम की रकम चेक से देंगे या कैश? क्या है, चेक से देंगे तो बेहतर, वरना कैश लेने से बाद में नेशनल घोटाला हो सकता है।